नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के उपखंड लालसोट में त्योहारों के चलते हुए अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर अतिक्रमण के चलते राहगीरों को परेशानी के मद्देनजर रखते हुए व्यापारियों और प्रशासन की बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक के दौरान त्योहारों के चलते अतिक्रमण हटाने का फैसला भी लिया गया है। उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़ की मौजूदगी में थाना प्रभारी महावीर प्रसाद व व्यापार महासंघ की ओर से अतुल बनाड़ा सहित कई व्यापारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान त्योहारों के चलते राहगीरों को परेशानी से प्रशासन को अवगत करवाया है। साथ ही प्रशासन ने व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया। वहीं प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर के व्यापारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए, जिसके चलते शाम को 6 बजे आवश्यक रूप से दुकानें बंद करने के निर्देश दिए गए। इसमें प्रशासन ये चाहता है कि साहब 6 बजे दुकानें बंद हो। हम अश्योर करते हैं, हमने अश्योर किया है प्रशासन को कि हम 6 बजे बंद करेंगे। पर लालसोट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो अनाधिकृत अतिक्रमण की समस्या है। व्यापारी तो कोई समस्या है ही नहीं, व्यापारी 6 बजे अपनी दुकान बंद करता है। व्यापारी किसी भी तरीके का कोई न्यूसेंस नहीं फैला रहा है। अगर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो अनाधिकृत जो अतिक्रमण हो रखा है, जो व्यापारियों के कंट्रोल में जो चीज़ें रेडी वाले हैं वो रहे, उन्होंने व्यवस्था खराब कर रखा है। प्रशासन को हमने तो हमारा कह दिया कि हम 6 बजे दुकानें बंद करेंगे। बसौली से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत खीनिया से नीम का खेड़ा मुख्य मार्ग पर पिछले वर्षों में मरम्मत नहीं कराने पर रास्ते में गड्ढे व कंकड़ हो गए। जी हां, मुख्य मार्ग पर पिछले वर्षों में मरम्मत नहीं कराने पर रास्ते में गड्ढे व कंकड़ हो गए हैं। साथ ही मोदी समर्थक मंच जिला महामंत्री राघव बागड़ ने बताया कि सुप्रसिद्ध भीमलत महादेव मंदिर भी इसी रास्ते पर पड़ता है। जी हाँ, भीमला महादेव का मंदिर भी इसी रास्ते पर पड़ता है, साथ ही जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी झेलनी भी पड़ रही है। आए दिन ग्रामीण चोटिल भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं अलवर की ओर। आपको बता दूं कि अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर गंदगी का ढेर लगता हुआ नजर आया। सिकंदरा के अंदर दीपावली का पर्व नज़दीक आ चुका है, लेकिन रोड डेवलपमेंट कंपनी की अनदेखी के चलते सिकंदरा चौराहे के चारों तरफ गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। यहाँ रोड पर मिट्टी और कचरे का ढेर भी लगा हुआ है। यह कचरा पूरे रोड पर बिखरा हुआ रहता है, जिसके चलते दिन भर धूल उड़ती रहती है, जो कि बाइक चालकों की आंखों में भर जाती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। और अलवर गंगापुर मेगा हाईवे कंपनी के कर्मचारियों द्वारा समय पर सफाई नहीं करवाई जाती, गंदगी के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बीमारियों का खतरा भी मंडराता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें, दौसा सांसद जसकोर मीणा गोनी के क्षेत्र में मीणा समाज के द्वारा उनका पुतला जलाया गया और अभद्र टिप्पणी करने पर यह पुतला जलाया गया। दौसा जिले में कल बामनवास में दौसा सांसद जसकोर मीणा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के बारे में कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिसको लेकर मीणा हाईकोर्ट नांगल राजावतान क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, जिसे टिटौली टोल प्लाजा पर सांसद जसकोर मीणा का पुतला फूंका गया है और कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। इस मौके पर अलूदा पूर्व सरपंच जुगल किशोर मीणा, पिंटू पापड़दा, रामप्रसाद रागला, बनवारी बड़ागांव, मुकेश ठिकरिया, नमो नारायण मीणा, शंकर राजपुरा आदि लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि कल दौसा सांसद जसकोर मीणा ने बामनवास विधानसभा के जीवत गांव में सरपंचों के सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद के खिलाफ की गई टिप्पणी के बारे में क्षेत्र के युवाओं में भारी रोष है, जिसके चलते नांगल प्यारीवास के टिटौली टोल प्लाजा पर जसकोर का पुतला भी जलाया गया। मीणा समाज का कहना है कि सर समाज के कोहिनूर किरोड़ी लाल के खिलाफ लंगूर शब्द का प्रयोग किया गया है, वो शब्द बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, जिससे जसकोर को चुनावों में अमित शाह के निर्देशानुसार चुनाव में जितोड़ मेहनत कर के सांसद को चुनाव जितवाया। आलूदा पूर्व सरपंच जुगल मीणा ने कहा कि सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए सर्व समाज से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। सांसद आज तक ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बोली, कभी मीणा मीणा विवाद पर कभी नहीं बोली, कभी MDR रोड के बारे में नहीं बोली और सांसद कभी ST मुद्दों पर भी नहीं बोली, कभी लोकल लोगों को रोजगार के लिए मुद्दा नहीं उठाए और सांसद कभी बोली है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी नहीं बोली। सांसद का पुतला दहन करके सांसद को सद्बुद्धि आए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने समाज के बहुत संघर्ष किया है,
जब जाके इस मुकाम पर पहुंचे और इस अवसर पर दौसा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। एक समाज के वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो डॉक्टर किरणलाल मीणा मीणा समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों के पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा जो जसवंत मीणा जी ने बोली है कल, उसका पूरा मीणा समाज का युवा और मीणा समाज के सभी गुजर उसका कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और साथ ही जसवंत मीणा जी को चेतावनी देते हैं कि ऐसी असभ्य भाषा अगर प्रयोग में लेती रही तो दौसा लोकसभा में नहीं शायद मीणा समाज पूरे राजस्थान में इसका घुटना बंद कर देंगे और इसका समाज में बहुत तगड़ा विरोध है। मीणा समाज के लिए डॉक्टर किरणलाल मीणा ने बहुत कुछ किया है। अगर जसोर जी को बोलना है तो लोकसभा में बोले मीणा समाज के पक्ष में, जसकोर जी को बोलना है तो क्षेत्र के विकास के लिए बोले लोकसभा में, जसकोर जी को बोलना है तो क्षेत्र की रोडें खराब है उसके बारे में बोले लोकसभा के अंदर, और इस तरीके की समाज के नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा का टिप्पणी करना मीणा समाज इसको कभी सहन नहीं करेगा और पढ़ने वाले बच्चों के लिए आने वाले समय मीणा समाज बता देगा। एक मीणा समाज वो चीज़ है डॉक्टर किरणलाल मीणा को जग के चुनाव में वोट देकर चुनाव जिता सकता है, तो ऐसी जसकोर बहुत है राजस्थान में जिनका पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन से क्षेत्र में धर देंगे। मीणा समाज से इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, डॉक्टर किरणलाल जी के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग करना, समाज इसके कड़े शब्दों में निंदा करना। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के सिकंदरा में प्रधानाचार्य स्टाफ को साथ लेकर के स्कूल व्यवस्थाओं में चार चांद लगाते हुए नजर आए। सिकंदरा के अंदर सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्कूलों का संचालन बंद रखा है, वहीं स्कूल स्टाफ को नियमित स्कूल पहुंचाने के आदेश जारी कर रखे हैं। ऐसे में ब्राह्मण बैराड़ा के राजकीय स्कूल के प्रधानाचार्य देवेंद्र मिश्रा अपने स्टाफ के साथ स्कूल की व्यवस्थाओं को नया रूप देने में लगे हुए हैं। अगर बात की जाए कि अनुशासन व व्यवस्थाओं की, तो ऐसी व्यवस्थाएँ किसी प्राइवेट स्कूलों में भी मिलना मुश्किल है। हरा भरा पार्क, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, वाटर कूलर पार्किंग जैसी सुविधाओं में साफ सफाई से अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले में CDEO पद पर ओम प्रकाश शर्मा ने अपना कार्य ग्रहण किया। दौसा जिले में राजस्थान अरस्तु शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष NR बालोद, कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह उमरवाल के नेतृत्व में संघ ने माला व साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया है। इस दौरान CDEO ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के मूलभूत ढांचे को मजबूत किया जाए, सभी संगठनों को साथ लेकर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने स्वागत कर विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह कालेड़ा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य प्रसादी लाल सैनी, CBEO MIS हेतराम सैनी, रत्ती राम सोडाला, जगदीश प्रसाद गुर्जर, राय सिंह गुर्जर, धर्मराज शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, सहायक प्रशासक अधिकारी RK बैसला, सत्यनारायण शर्मा, सुरेश स्वर्णकार, पूर्व प्रधानाचार्य मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं टोंक की ओर। आपको बता दो कि टोंक जिले के मालपुरा तहसील स्थित पचेवर ठिकाना द्वारा भगवान देवनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार एवं झंडारोहण किया गया। टोंक जिले के मालपुरा तहसील स्थित पचेवर ठिकाना द्वारा भगवान देवनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार एवं झंडारोहण किया गया। 22 अक्टूबर 2020 के दिन पचेवर ठिकानागढ़ के प्रांगण में सदियों पुराने भगवान देवनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार एवं झंडारोहण का कार्य प्रोग्राम के मुख्य अतिथि कर्नल देवानंद गुर्जर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के हाथों से प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए ठाकुर कर्नल उमराव सिंह राठौड़ एवं भाईसा मधुलिका की मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। भाईसा मधुलिका ने अपने उद्बोधन में बताया कि यह मंदिर उनके पूर्वजों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाया गया था और बीच के काल में किसी कारणवश जब किला बंद रहा उसके कारण किले के पश्चिम के मुख्य द्वार पर स्थित भगवान देवनारायण मंदिर के मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। पिछले कुछ वर्षों से ठिकाना परिवार द्वारा मंदिर की खुदाई करवाकर आज इलाके के सरपंच प्रेमा देवी गुर्जर एवं गणमान्य पुरुष व महिलाओं द्वारा दीप जलाकर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। मुख्य अतिथि कर्नल देव गुर्जर एवं पचेवर ठिकाना ठाकुर कर्नल उमराव सिंह द्वारा झंडारोहण कर भगवान देवनारायण के जयकारे के साथ प्रोग्राम संपन्न हुआ। कर्नल गुर्जर ने अपने उद्बोधन में बताया कि जब कालांतर में कोई भी किलों का निर्माण किया जाता है तो पूर्व में स्थित द्वार के सामने अपने आराध्य देवों के पूर्वमुखी मंदिरों की स्थापना की जाती है और उसी तरह पचेवर गढ़ के पश्चिम द्वार के ऊपर भगवान देवनारायण का मंदिर पाया जाना भारतवर्ष के इतिहास का पहला एकमात्र ऐसा किला है और यह देव भक्तों के लिए एक
हर्ष और सम्मान की बात है। साथ ही मालपुरा एवं पचेवरा से गुर्जर समाज के पथारे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ठिकाना के ठाकुर उमराव सिंह को साफा बांधकर एवं फूलों मालाओं से अपना धन्यवाद अर्पित किया। पचेवर गांव की सरपंच नाना देवी गुर्जर के नेतृत्व में पधारी महिलाओं ने बाईसा मधुलिका का पुष्प गुच्छा देकर सम्मान करते हुए यह भरोसा दिलाया कि मालपुरा एवं टोंक का गुर्जर समाज ठिकाना पचेवर का भगवान देवनारायण के मंदिर को पुनः स्थापित करवाने के लिए सदैव आभारी रहेगा। प्रोग्राम में श्री रामफूल गुर्जर PRO प्रदेश संयोजक इंटरनेशनल गुर्जर महासभा पूर्व पचेवर सरपंच अरविंद जैन मौजूदा सरपंच पचेवर श्रीमती प्रेम देवी दीनदयाल धाबाई बन्ना जी लांगरी पचेवर अध्यक्ष इंटरनेशनल गुर्जर महासभा श्री बसवा राज गुर्जर मालपुरा सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं भरतपुर की ओर। आपको बता दूं कि भरतपुर डीग में बाइक रैली के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। भरतपुर डीग में बाइक रैली निकालकर नगर पालिका के कर्मचारियों ने कोरोना के प्रति जागरूक किया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा हाथों में नारे लिखे स्लोगन तख्तियां लेकर बाइक रैली नेहरू पार्क से प्रारंभ होकर मेन बाजार नई सड़क पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड गणेश मंदिर होते हुए संस्थान स्वयंसेवी संस्था द्वारा कोरोना के प्रति सजग एवं मुंह पर मास्क और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए जानकारी दी गई। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में चोरों का हौसला बुलंद होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, राजधानी जयपुर में कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी में एक मेडिकल स्टोर को अपना चोरों ने निशाना बनाया। साथ ही साथ लगभग 34,000 रुपए नकदी व जरूरी सामान भी वहां से ले जाने में चोर कामयाब रहे। राजधानी जयपुर शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर शहर में कृष्णा सरोवर कॉलोनी में देर रात को देखने को मिला है। चोरों ने श्री श्याम मेडिकल एंड प्रोविजन स्टोर को अपनी रात्रि के समय निशाना बनाया है। वहीं दुकानदार का कहना है कि उसकी दुकान से लगभग 34,000 रुपए की नकदी एवं गले में रखा हुआ पर्स जिसमें उसके मूल दस्तावेज थे उसे चोर चुरा कर लेने में कामयाब रहे हैं। साथ ही जब घटना की जानकारी सुबह दुकानदार को मिली है तो उसने CCTV फुटेज के आधार पर चोरी की घटना की पुष्टि की और कृष्णा सरोवर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मदन सिंह तंवर माकड़ी सचिव CS शर्मा कोषाध्यक्ष रवि जोशी और गणमान्य लोगों के साथ मिलकर के मोहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और FIR दर्ज करवाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीड़ित दुकानदार कृष्णा अवतार शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा अवतार जी, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। कृष्णा अवतार जी, चोरों ने रात्रि के समय आपकी मेडिकल दुकान को अपना शिकार बनाया है, क्या ये पूरी घटना आप हमें बताइए। सर, मैं रात को 10 बजे दुकान घर चला गया था। मेरे पास सुबह 6:30 बजे यहाँ की जो मॉर्निंग वॉक करने लोग वॉक जाते होंगे, मेरे पास सुबह 6:30 लगभग कॉल आया कि आपकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैं घर से यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो मैं घर से भाग के आया तो मैंने देखा कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मैंने पुलिस वाले को PCR वैन को फ़ोन किया, फिर वो आए, फिर मैंने अपने आसपास के दुकान वालों के पास कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर जो फुटेज खंगाली तो बाकायदा सर वो जो चोर थे वो दिख रहे हैं इसमें कैमरों में। तो कृष्ण अवतार जी, चोरों ने रात्रि के समय आपकी मेडिकल दुकान को जो शिकार बनाया है उस पर क्या क्या चीज़ों पर अपना हाथ साफ किया। सर, जैसे मेरे तो मेडिकल की शॉप है तो कुछ जैसे मेडिसिन वगैरह तो कुछ लेके नहीं गए, उसमें नगद लगभग 34,000-35,000 रुपये सर मेरा पेमेंट किसी को देना था कल, तो मैं रात को दुकान पे ही छोड़ के चला गया। मैंने सोचा सर मॉर्निंग में वापस लेके आएंगे, सुबह यहीं से दे देंगे अपन, तो सर 34,000-35,000 रुपये का अमाउंट था वो ले गए सर, और मेरे वापस पूरा आइटम वैसे के वैसे उसमें कोई नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो चोरों ने केवल और केवल कैश पर अपना हाथ साफ किया है और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गए। वो सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे कुछ आधार कार्ड वगैरह आईडी मेरा एक बैग पड़ा हुआ था साइड में, और मेरे पर्स में कुछ मेरे जो आधार कार्ड था मेरा ATM कार्ड था वो भी ले गए सर उसके पास। तो जिस तरह से CCTV फुटेज सामने आई है तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि ये चोर आपकी कॉलोनी के हैं या फिर कॉलोनी से बाहर के हैं। सर, ये तो यहाँ के तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ आसपास में डेली वो अपने आसपास में कुछ दुकानें बनी हुई यहाँ बैठते हो, उनको पता हो कि आज ये पेमेंट यहाँ छूट के जाएंगे। हो सकता है कि मेरी दुकान पे जैसे कस्टमर वगैरह भीड़ रहती है तो उस हिसाब से उन्होंने सोचा हो कि कुछ ना कुछ मिलेगा अपने को यहाँ पर। वैसे यहाँ का तो कोई यहाँ का जो लोकल कॉलोनी का तो नहीं है, लेकिन है कोई बाहर का जो कुछ यहाँ डेली आता है यहाँ पर। तो इस संदर्भ में आपने मामला दर्ज कहाँ पर करवाया। सर, ये अपने मोहाना थाने के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया है। और इसमें पुलिस का क्या कहना रहा।
पुलिस का कहना उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दुकान पे आए भी थे, आके चले गए, बोल रहे हैं कि इनमें आपकी पूरी कार्रवाई की जाएगी और आपका यानी कि चोरों को पकड़ने का पूरे प्रयास किए जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मंडावरी में सुरक्षा संवाद सत्र के लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय मंडावरी में थाना अधिकारी भरत लाल मीणा के निर्देशन में सुरक्षा संवाद सत्र के लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस के आवाज जागरूकता अभियान के तहत सुबह 11 बजे से जयपुर पुलिस रेंज के फेसबुक पेज पर लाइव सत्र शुरू हुआ है। लाइव सत्र का मुख्य उद्देश्य समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अध्यापकों एवं अभिभावकों के साथ सुरक्षित असुरक्षित स्पर्श विषय पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान संगीता बेनीवाल अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, रवि प्रकाश IPS, राजीव शर्मा IPS, एस सैगाधीर IG जयपुर रेंज, डॉक्टर संजय निराला, डॉक्टर राजीव गुप्ता, उत्कर्ष ने प्रमुख वक्ता के रूप में लाइव उद्बोधन दिया। इस दौरान पुलिस थाना मंडावरी से थानाधिकारी भरत लाल, हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार सहित बालिका विद्यालय का समस्त स्टाफ, अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। कोरोना दुनिया लाइव में फ्रांस में 24 घंटे में 41,622 मरीज मिले हैं। ग्रीस में ज्यादा रिस्क वाली जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगेगा, अब तक 4.18 करोड़ केस। कंगना रनौत के खिलाफ में एक और FIR, कंगना रनौत पर लगा न्यायपालिका के अपमान का आरोप। एक्ट्रेस के खिलाफ 10 दिन में 3 FIR दर्ज हुई। 41वें हफ्ते की TRP रिपोर्ट, दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाया सलमान खान का शो बिग बॉस 14, कुंडली भाग्य को पीछे छोड़ अनुपमा शो में ने मार दी बाजी। कोरोना देश लाइव में भारत बायोटेक के वैक्सीन की तीसरी फेज की ट्रायल के लिए मंजूरी, अब तक 77.59 लाख केस। फोटोज में IPL के रोमांच में आपको बता दूं कि होल्डर की गेंदबाजी के सामने राजस्थान लड़खड़ाई, पांडे शंकर ने बैटिंग में चौके छक्कों की झड़ी लगाई।